दोस्तों ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव एक ही मंच पर दिखे, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चुनावी मौके पर यह मुलाकात बेहद खास है। दोस्तों दोनों की यह मुलाकात कहां हुई वो भी आपको बताएंगे और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक की यह मुलाकात लखनऊ में हुई। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। उसके बाद अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक से मुस्कुराकर हाथ मिलाया और ब्रजेश पाठक ने भी दोनों हाथ जोड़कर अखिलेश का अभिवादन किया। अखिलेश और ब्रजेश पाठक के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी नजर आए। तीनों नेताओं ने ईदगाह से प्रदेश के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रदेश के और सभी देशवासियों को आज के त्योहार जहाँ हम खुशी के साथ मना रहे हैं, मैं पूरे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये त्योहार यहाँ हम आप एक दूसरे के गले मिलकर के मनाते हैं, सिवैया खा करके एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। वहीं यही खूबसूरती हमारे देश और समाज की है कि सदियों से हम मिलकर के रहे हैं। आज ईद के त्योहार के दिन हम सब मिलकर के इस देश की और समाज की जो संस्कृति रही है कि हम मिलकर के रहे, मिली जुली संस्कृति के साथ आगे बढ़े, हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखें, यही कामना करते हुए मैं एक बार फिर आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव सदन के अंदर और सदन के बाहर एक दूसरे पर खूब हमले बोलते हैं, निशाना साधते हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों बेहद हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी। अखिलेश यादव दोस्तों जब मुख्यमंत्री थे तब से वो हर साल ईद के मौके पर ऐशबाग की ईदगाह पर जाते हैं और बीते 14-15 सालों से यह सिलसिला लगातार जारी है। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से वो हर साल ईद के मौके पर ऐशबाग की इस ईदगाह में आते हैं। दोस्तों इन दिनों चुनावी मौका चल रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक की जब यह मुलाकात हुई तो दोनों के बीच में सियासत की भी कुछ हल्की फुल्की चर्चाएं हुई और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, साथ में बैठे और कुछ चर्चाएं भी दोनों के बीच हुई। तो अजय राय भी इनके साथ मौजूद थे, यानी तीनों नेताओं के बीच ईद के इस मौके पर काफी कुछ बातें हुई जो चुनाव से जुड़ी भी थी और ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए भी बेहद अच्छी है।